दिखा दूं, यही ब्रेड होती है ना, ये देखें स्पॉन्जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शेफ अल्ताफ। आज हम बनाएंगे पाव ब्रेड। पाव ब्रेड आपको पता है कौन सी होती है, जो रेडियो में चनों के साथ खा रहे होते हैं लोग। सख्त होती है बाहर से, अंदर से सॉफ्ट होती है। तो पायों के साथ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं, पाव ब्रेड। आसान सा तरीका है, आप इजीली घर में भी बना सकते हैं विदाउट ओवन के। मैं आपको ख़ुद जो रेसिपी देने वाला हूँ वो विदाउट ओवन के देने वाला हूँ। ओवन अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ पे भी आप ये कमर्शियल रेसिपी घर बैठे बना सकते हैं अपने घर के लिए। तो चलिए देखिए आज की हमारी पाव ब्रेड किस तरीके से बनती है। यहाँ पे मेरे पास है बर्तन और उसमें मैं डाल रहा हूँ ठंडा पानी, हाफ कप। ठंडा पानी डालने की वजह यह है कि ये ब्रेड को जो है थोड़ा सा हार्ड रखेगा और खमीरे को जो है स्मेल नहीं करने देगा। ठंडा पानी ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करता है। इस जाएगा इसमें 7 ग्राम, 3 ग्राम जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, या इका पाउडर डाल लें या ब्रेड इम्प्रूवर डाल लें, इन तीनों में से सेम क्वांटिटी में जाएगा। मेरे पास है पिसी हुई चीनी, आप साबित भी डाल सकते हैं, ये जाएगी 10 ग्राम। थोड़ा सा जाएगा बिल्कुल नमक। इसको अच्छे से हल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारा मैदा, और इसकी क्वांटिटी है 400 ग्राम। तो इसको हम गूंदेंगे हाथ से। पानी हमारा कम है तो और पानी हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा, हाफ कप और पानी ऐड करेंगे ठंडा पानी। इसकी डो ऐसे होती है जैसे हम नान गूंथते हैं, नान का आटा होता है वैसे। पचास ग्राम घी, नो कुकिंग ऑयल, नो बटर। अच्छे से इसको जज्ब करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे इसको। बस थोड़ा टाइम लगा इसको मिक्स करने में और थोड़ा सा गूंदने में भी, तकरीबन आपने 10 मिनट लगाने हैं इसको गूंदने में कंटिन्यू। तो अच्छा सा हमारा ये मिक्स हो गया और ये सॉफ्ट है। इसकी डो ऐसे है जैसे हम नान बनाते हैं वैसी डो है इसकी। अभी इसको तकरीबन हम रेस्ट देंगे आधा घंटे का, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ये खुश्क ना हो, फिर इसको कवर करके हम रख देंगे। तो ये देखें थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, फूल गया है। अब क्या करना है इसका, इसको उठा लेना है यहाँ से और इसका वेट करना है टोटल का कितना है हमारे पास ये। तो ये है 700 ग्राम। अब इसको हमने बांटना है 9 जगह पे, यानी कि 9 साइज़ के पेड़े बनाने हैं हमने। तो ये 9 पेड़े हो गए हैं। अब थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है हाथों पर और इसको पेड़ा बना लेना है ऐसे। जब गोल पेड़ा हो जाए तो उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लें, यानी कि लंबा कर लें थोड़ा सा ऐसे इस साइज़ का। तो ये मेरे पास ट्रे है, उसमें मैं यहाँ पे रख दूँगा ऐसे एक, सभी ऐसे लाइन से लगा देंगे। तो इसको ऐसे भी बढ़ा लें, बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये साइड आपने नीचे ही रखनी है इसकी ऐसे। तो ये देखें हमारे यहाँ पे सब लग गए, तो आपने ऐसे ही रखना है और इसको अभी 1 घंटा 30 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये खुद बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले 1 घंटे बाद चेक करा दूंगा, दिखा दूंगा कैसा है। तो ये देखें अभी हमारा यहाँ पे हुआ है 1 घंटा और ये कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। लेकिन अभी मज़ीद हम इसको और छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 20 मिनट या मैक्सिमम जो है 30 मिनट, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएँगे और आगे जाके बेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें हमारा 1.5 घंटा पूरा हो चुका है और ये देखें कितनी फूल गई है। तो अब इसको हम बेक करेंगे, प्यार से उठा लेना है। हमेशा की तरह यहाँ पे हमारा पतीला गरम है, प्री हीट कर लिया हमने पहले, इसको प्यार से उठा के यहाँ पे रख देना है इसको। और ओवन में अगर बेक करना चाहते हैं, ओवन का टेम्परेचर होना चाहिए 300 और 25 से 30 मिनट, ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 38 मिनट में तैयार हो चुकी है ये, और इसको अभी हम निकाल लेंगे यहाँ से।
तो माशाल्लाह अभी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर कोई बटर नहीं जाता, कोई ऑयल नहीं जाता, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं लगाना इसके ऊपर। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको रेडियो में थोड़ी सी सख्त ब्रेड का मिलता है। तो ऐसे ही रहने देंगे इसको। तो हम यहाँ से सांचे से निकाल लेते हैं, गरम गरम निकाल लें इसको या ठंडा करके निकाल लें, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको यहाँ पे गरम गरम ही निकाल रहा हूँ। परफेक्ट कलर देखें नीचे का, बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर की वाओ अमेजिंग। तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी गर्म है, इसको प्रेस करेंगे ये टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है और मैं आपको दिखा दूँ, यही ब्रेड होती है ना, ये देखें। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, स्पॉन्जी। क्या बात है, परफेक्ट। यही ब्रेड होती है जो पाए और चनों के साथ सर्व की जाती है। पाव ब्रेड आज की हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।